अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फिजा फूड सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद है। आज मैं आप लोगों के लिए झटपट तैयार होने वाली रेसिपी लाई हूँ। मैं आप लोगों के लिए दम की चाय और साथ में गुड़ का पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। जब हमें वक्त बेवक्त भूख लग जाती है तो ये जो रेसिपी आप जल्दी फटाफट बना के खा सकते हैं और अपनी भूख मिटा सकते हैं। तो दम चाय जो बहुत वायरल रेसिपी है वो मैं आज बनाने लगी हूँ और साथ में गुड़ का पराठा। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुंचे। तो अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो तब लाल बटन जरूर दबाएं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप लोगों की मेहरबानी होगी। तो मैं ये रेसिपी जो बनाती हूँ ये आपको कैसी लगती है मुझे फीडबैक जरूर दिया करें ताकि मैं और अच्छी और मजीद अच्छी रेसिपी लेकर आऊं और अच्छी चीजें मतलब मेहनत करूं, मेरी हौसला अफजाई हो। तो आइए हम दम की चाय और गुड़ का पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने प्यारी सी पतीली ले लिया है, इसको इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। तो ये मैं ये गिलास में थोड़ा सा पानी लूंगी इस तरह इतना सा ताकि जो हमारी दम की चाय है वो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। ये बहुत वायरल रेसिपी है। ये मैंने मलमल का कपड़ा लेके नया लिया था, इसको धो के अच्छे से सुखा लिया है। तो इसको हम इस तरह से इसको रखेंगे और ये जो रबड़ होती है जो हम कभी कभार बालों में भी लगा लेते हैं और चीजों को भी पैक करने के काम आती है, तो हम ये रबड़ लगा लेंगे इस गिलास पे। ये स्टील का गिलास है, आप कोई भी बर्तन रख सकते हैं जो जिसके जलने का खतरा ना हो। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। इसमें हम सबसे पहले पत्ती ऐड करेंगे। पत्ती आप अपने हिसाब से कितने लोगों के लिए, मैं 2 कप चाय बना रही हूँ तो उस हिसाब से मैं पत्ती ऐड करूंगी। इसको थोड़ा सा हम और नीचे कर लेंगे, ये देखें इस तरह। हम थोड़ी सी इसमें 1-2 इलायची निकाल के डाल लेंगे ताकि उसका अच्छा सा वो उसमें खुशबू चली जाए। इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी भी आप अपने हिसाब से डालें, आप जितने लोगों के लिए चाय बना रही हूँ तो मैं 1 खाने का चम्मच चीनी ऐड करूंगी। 2 कप में इनफ हो जाएगी मेरे लिए। इसमें थोड़ी सी हम अदरक ऐड करेंगे। अदरक मैंने काट के ये रखी थी, तो अगर ये ऑप्शनल है, अगर आपको अदरक नहीं पसंद तो आप ना डालें, लेकिन ये बहुत अच्छी होती है अदरक सेहत के लिए, तो चाय में तो फिर और अच्छी होती है, मुझे तो अच्छी लगती है। तो इस तरह ये हमारी सारी ये इसमें रख दी हैं। तो अब इसको मैं देखती हूँ, मैंने पानी डाल लिया है, ये देखें इसमें तकरीबन 1 गिलास ही पानी डाला है। इसमें मैं ये स्टैंड रख दूंगी इस तरह का, तो इसको आप स्टीमर में भी बना सकते हैं। स्टीमर में रख के तो ये इस तरह रख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास स्टीमर थोड़ा बड़ा है तो मैं वो मेरा जो है वो गैस भी कम आती है, तो इसलिए फिर मैं थोड़ी कंजूसी कर रही हूँ। मैं इसके नीचे आग जला लूंगी। आग आपने मीडियम रखनी है, मीडियम से लो ताकि जो है वो अच्छे से स्टीम हो जाए। पहले इसको हम थोड़ी देर 1-2 मिनट पानी को गर्म कर लेंगे थोड़ा ज्यादा ताकि बॉयल आ जाए। और हम इसको तो इसको मैं इस तरह ढक के रख दूंगी, फिर 1-2 मिनट के बाद मैं इसकी फ्लेम भी बिल्कुल दम वाली कर दूंगी ताकि हमारे जो पत्ती अदरक और जो इलायची हमने डाली है वो उसमें अच्छे से उसका कलर भी आ जाए पानी में। तो ये 1-2 मिनट इसको करने देंगे, पकने देंगे तेज आंच पे। 1 मिनट बाद मैं इसको दम वाली फ्लेम कर दूंगी। तो ये मैंने प्यारी सी पतीली ले लिया है, इसमें मैं दूध ऐड करूंगी। मैं 2 कप चाय बना रही हूँ, ये बगैर मलाई के दूध मैं ऐड करूंगी। तो दूसरे चूल्हे पे मैंने ये प्यारी सी पतीली ले ली है। जितनी देर में हमारी दम आएगा उसको पत्ती और माशाल्लाह। तो ये देखिए मैंने पतीली में ये दूध ले लिया है यहाँ पे, तो इसमें 1 इलायची भी डाल दिया मैंने। इसको हम पका लेंगे, इसको ढक के तकरीबन जितनी देर में ये बॉयल आता है। इधर जो है ये हमारी दम जो है 1 मिनट हो चुका है, तो इसकी मैं जो फ्लेम है वो कम कर दूंगी और इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे पका लेंगे। और ये जितनी देर में दूध बॉयल होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो देखें ये दूध हमारा बॉयल हो चुका है, इसको मैं बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे इसको और मजीद थोड़ा सा बॉयल कर लूंगी 1-2 मिनट। फिर जैसे ये बॉयल हो जाएगा मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी और हम इसके चाय के दम आने का वेट करेंगे। इसको तकरीबन अभी 3-4 मिनट ही हुए हैं बॉयल होते हुए, मतलब दम पे रखे हुए। इसको कम से कम 10 से 15 मिनट दम पे रखेंगे। जैसे इसका एक्सट्रैक्ट निकलेगा, वो चीनी जो पत्ती वगैरह है सारा, तो उसमें जाएगा, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारे इसको दम आए हुए तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। तो ये मैं अब देखूंगी कि कितना इसका एक्सट्रैक्ट निकल चुका है, ये दम आ चुका है इसको। ओ वाह, इसकी इलायची की जो है वो खुशबू इतनी प्यारी आ रही है। और ये देखें जो पत्ती का कलर है वो नीचे भी और इधर सारा वो निकला हुआ है। तो अब मैं इसको जो है इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको जो गिलास और वो है उसको निकाल लूंगी इस तरीके से, इस तरीके से इसको निकाल लूंगी और इसको साइड पे रख दूंगी देगची को। तो ये देखें ये निकल चुका है इसको, इसकी जो रबड़ है वो इस तरह हम इसको निकालेंगे। और ये देखिए इसका कलर देखें, और ये थोड़ा गर्म है, आगे करके दिखाओ जरा। ये देखें इसका कितना प्यारा एक्सट्रैक्ट निकल चुका है। इसको मैं थोड़ा सा निचोड़ूंगी इस तरीके से, ताकि जो ये गर्म है इसको मैं किसी इसे निचोड़ूंगी, ताकि ये देखें इसको एक बार मैं इसमें डिबो लूंगी ये, ताकि अच्छे से कलर आ जाए। इसकी इतनी प्यारी खुशबू है अदरक की और इलायची की, आप यकीन करें बहुत प्यारी खुशबू है। अजानें हो रही हैं तो मैंने अजान पहले सुन ली थी, फिर स्टार्ट की थी वीडियो। तो यहाँ बहुत सारी करीब बहुत सारी मस्जिद हैं, बहुत सारी अजानें। इसको ये देखिए इस तरीके से मैं अच्छे से, क्योंकि ये गर्म है मैं हाथ से नहीं निचोड़ सकती, तो मैंने इसे सहारा लिया है। दूध भी हम तो देखें दूध भी हमारा बॉयल हो चुका है। तो अब इसको मैं किसी कपड़े से पकड़ के इसमें डालूंगी, क्योंकि ये गर्म है मेरा हाथ वो जो है वो जलने का खतरा है। तो ये देखें कितना प्यारा सा कलर है। और ये जो है ये इसका जो हमने पत्ती का एक्सट्रैक्ट निकाला है, इलायची और अदरक वगैरह का, वो इतना मजे की इसमें खुशबू आ रही है, इतने मजे का वो लग रहा है। तो इसको हम बॉयल आने तक पका लेंगे, इसको 1-2 बॉयल दिलवाएंगे उसमें पका लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें ये चाय हमारी तैयार है, इसको 2-3 बॉयल आ चुके हैं। तो इसको मैं ये साइड पे रखूंगी दूसरे चूल्हे पे, इसकी नीचे हल्की सी दम वाली आग चला के इस पे, यहाँ पे मैं तो ये देखें अब मैं ये गुड़ का पराठा बनाने जा रही हूँ। तो मैंने इसमें ये शक्कर ले लिया, इसमें मैंने 2 इलायची डाल दी है खोल के। तो ये इसमें गुड़ में जो शक्कर और गुड़ एक ही चीज होती है, तो इसमें मैंने इलायची ये 2 डाली हैं, ताकि उसमें अच्छी सी खुशबू आए, खाते हुए मजा आए। तो ये मैंने 2 पेड़े ले लिए हैं इस तरह बना के। तो अब मैं इसको एक डिफरेंट स्टाइल से बनाना बताऊंगी। कुछ लोग इसको पका के और साथ में ये डाल के फिर डालते हैं तवे पे पराठा मुकम्मल करके। तो मैं आज इसको अपने स्टाइल से बनाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से गुड़ का पराठा वो भी मजेदार किस्म का बनाती हूँ। मैंने इसको ये आटा जो घर में गूंदा होता है वही आटा है जो हम लोग रोज खाते हैं, ये वही है। इसको मैं आप चकले बेलने पे नहीं बनाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं हाथ से रोटियां कितनी अच्छी और गोल बना सकती हूँ। तो हाँ जी देखें ये किस तरह, थोड़ा सा मैं सूखा आटा लगाऊंगी आपको इस तरीके से।
ये देखिए कितनी गोल सा मैं आपको दिखाती हूँ डाल के, ये देखिए कितना प्यारी और गोल सी रोटी मैंने डाली है। तो इसकी एक साइड मैं पका लूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ इसके साथ। तो ये देखें एक साइड पक चुकी है, मैं इसकी साइड चेंज करूंगी और अब हमारा ये तैयार होगा कि हम किस तरीके से ये गुड़ इसमें डालेंगे, ये शक्कर गुड़ जो भी आप डालना चाहिए, एक ही चीज होती है। तो इसको इस तरीके से करके मैं ये शक्कर डालूंगी। इसमें मैंने ऑलरेडी इलायची डाल दी थी ताकि इसकी खुशबू जो है वो अच्छी हो जाए, और बहुत थोड़ा से हम साड़ी बचा के और इस तरह से डालेंगे। तो आपको जितना पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं, तो मेरे लिए इतना इनफ है। तो अब जो है ये दूसरी रोटी मैं पकाऊंगी और आज देखेंगे कि मैं हाथ से कितनी गोल रोटियां पकाती हूँ। मुझे चकले की और बेलने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं और डस्ट करूंगी आटे से। तो ये देखें दूसरी रोटी भी बन गई और साथ ही मैं इसमें थोड़ा थोड़ा घी करके इस तरीके से ऐड करूंगी। पहले घी नहीं डाला था क्योंकि वो जल्दी मेल्ट होके गिर ना जाए इस तरह। तो इस तरीके से ये डालूंगी और साथ ही मैं ये और इसके ऊपर एक और रोटी डालूंगी। ये आप देखें, ये देखें कितनी परफेक्ट, ये इस तरह से मैं दबा दूंगी बराबर करके। ये देखें ये बिल्कुल आप मेरे अपने स्टाइल से ये मैं बनाती हूँ। ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है, वो जो है वो देसी चीजें बहुत खाता है। इसको हम सराइकी में हम लोग इसको कहते हैं, जो सराइकी में देहात में जो हम जब जाते हैं तो कहते हैं तुम बुसरी खासो, ये इसको बोलते हैं सराइकी में बुसरी। तो अब ये देखें इसकी मैं साइड चेंज करूंगी आराम से इस तरीके से, हाथ से हम किसी चिमटे वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये पक जाएगी फिर मैं इसकी दूसरी पर, ये देखिए ये बहुत कम फ्लेम पे मैं बना रही हूँ ताकि फ्लेम बहुत कम रखनी है आप लोगों ने, ताकि वो जो साइड हम जितनी देर में गुड़ वगैरह उसको अंदर फिलिंग डालेंगे तो वो जल ना जाए। ये देखें तो मैंने फ्लेम नॉर्मल रखी थी, बिल्कुल नॉर्मल से भी लो रखी थी मीडियम से। तो ये इस तरीके से ये जला नहीं है और बहुत प्यारा इसका कलर है। तो इसको हम पका लेंगे। तो इस पे मैं अब घी लगाऊंगी ताकि ये और मजे का और क्रिस्पी सा बने। इस तरीके से मैं घी लगा लूंगी। तो इसकी मैं साइड चेंज करूंगी इस तरीके से, और इस साइड से भी मैं थोड़ा सा घी लगा लूंगी। अगर आप लोग ज्यादा घी नहीं खाते तो उसी में ही गुजारा कर लें, क्योंकि मेरे बेटे को ये घी वाला ज्यादा पसंद है। इस तरीके से मैंने आटे में कोई घी शी नहीं डाला, जो घर का जो आटा होता है सिंपल सा जो घर में हम आम रूटीन में रोटी खाते हैं, ये वही वाला आटा है और इसको मैंने उठा के बना लिया। ये देखिए कितना क्रिस्पी सा और मजेदार सा ये पराठा हमारा तैयार हो रहा है। एक साइड हमारी पक चुकी है, ये देखिए इसका कितना प्यारा कलर है, ना जला है और ना ये कच्चा है। तो आपको ये मैं बताना चाह रही थी कि मैंने नीचे इसकी फिलिंग क्यों नहीं की, क्योंकि दोनों साइडों से अगर हम कच्चा रखते तो फिर खाने में मजा ना आता, हमारे मुंह में जो है वो अजीब सा कच्चापन लगता। तो मैंने एक साइड उसकी पका के फिर फिलिंग की है ताकि जो है वो कच्चापन ना रहे और खाने में क्रिस्पी लगे और मजा आए। तो ये हमारी दोनों साइडें पक चुकी हैं, मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको मैं निकाल लूंगी। निकाल के मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। इसको जरा मैं चिमटे से पकड़ूंगी इस तरीके से और इसको हम इसके जो है टुकड़े कर लेंगे। कटर का पेज थोड़ा ढीला हुआ पड़ा है, तो अभी अगर मैं उसको कसने लगूं तो ये हमारा पराठा ठंडा हो जाएगा। तो इसको गरम गरम सर्व करना है मैंने। तो ये देखें कितना हमारा मजेदार सा क्रिस्पी सा पराठा तैयार है। तो चाय हमारी पक चुकी है और पराठा भी पक चुका है। ये देखें
बहुत मजेदार और बहुत ही जो है खुशबू वाली। और यहाँ पे मैं इस तरीके से ये रखूंगी, पहले मैं ये पराठों को रखूंगी। ये देखें कितने क्रिस्पी से और मजेदार से पराठे। इसको जरा थोड़ा सा हम डेकोरेट करेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा गार्निश करेंगे। और ये देखें, और इस तरीके से हम अपनी यहाँ पे चाय रखेंगे। तो ये सर्विंग के लिए तैयार है। तो आपको ये मेरी दम वाली चाय और ये गुड़ का पराठा कैसा लगा? मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ और अच्छी सी रेसिपीज लेकर आती हूँ अपने स्टाइल से, जो मैं बनाती हूँ घर में भी हम लोग खाते हैं वही, और आप लोगों के लिए भी वही लेकर आती हूँ। बहुत मज़ेदार होती है, आप ज़रूर ट्राई किया करें और मुझे कमेंट्स में भी बताया करें कि ये आपने ट्राई की और कैसी बनी। तो ये गुड़ का पराठा मैंने नया स्टाइल से, अपने स्टाइल से, और जो हम लोग देहातों में पहले मेरी अम्मी लोग बनाते थे उस स्टाइल से बनाया है। तो ये चाय बहुत वायरल रेसिपी है, ये मैंने देखी थी सोशल मीडिया के थ्रू, तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी बनानी चाहिए। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। और अगर आप न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, जो रेड बटन होता है, रेड निशान होता है, उसको ज़रूर प्रेस किया करें। तो आप बेल आइकॉन प्रेस करना भी ना भूला करें अगर न्यू हैं तो, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों के पास पहुँचे। तो आप लोगों को ये चाय और पराठा कैसा लगा मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अल्लाह ताला हम सबके रिस्क में बरकत और इजाफा अता फरमाए। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।